एक तरफ जहां सरकार गांव के विकास के लिए तमाम योजनाएं लेकर आ रही है, तो वहीं दूसरी ओर गांव का विकास कागजों में ही सिमट कर रह गया है। यूपी के मऊरानीपुर में कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां पर सिर्फ कागजों में ही इमारतें बनकर रह गई हैं, सड़कें बनकर तैयार हो गई हैं। इतना ही नहीं, इस विकास के लिए मुख्यमंत्री से सम्मान तक मिल चुका है। वहीं जब ग्राम पंचायत जाकर देखा गया तो मामले का खुलासा हुआ। ग्राम पंचायत के प्रधान सचिव और ब्लॉक अधिकारियों ने मिलकर लाखों करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार किया है, जहां भ्रष्टाचार की सीमा लांघ चुकी ग्राम पंचायत, जिसकी सही जांच होना चाहिए और उससे संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो वहां अधिकारियों ने ऐसी ग्राम पंचायत के प्रधान को मुख्यमंत्री से ही सम्मानित करवा दिया। गांव में विकास कार्यों के नाम पर सिर्फ घोटाले हुए हैं। हमारे जो माननीय प्रधान जी है, उन्होंने लगभग हाफ सेंचुरी लगाई है घोटालों की। और गांव में जो शौचालय बनवाए गए हैं, आधे आधे पे चेकें ली गई हैं, आधी उसको दे दी, आधी प्रधान जी ने ले ली। और कई लोगों की पहले से शौचालय बने थे, उन्हें भी चेकें दी गई, और जिनको ज़रूरत थी उन्हें कम दी गई हैं। आवास ऐसे लोगों के बने हैं जो पक्के मकान तोड़ के बना रहे हैं, परिवार में डिवाइडेशन करके आवास बनवाए जा रहे हैं। ये बच्चों को दे दिए पक्के मकान और पिता के नाम आवास। जिनको ज़रूरत है, जो निर्भूम हैं, किसी बिल्कुल भूमि नहीं है, जमीन नहीं है, मकान भी रहने को नहीं है, उनके आवास काट दिए गए हैं। दो चार लोगों के हुए हैं जी। हाँ, वो विकास सब कागजों में। हाँ, कागजों में। अच्छा, शमशान घाट पे भी कई सारे विकास कार्य कराए गए हैं। हाँ। क्या हकीकत है शमशान घाट? नहीं, कुछ हकीकत है और कुछ नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अच्छा, कुछ काम ही नहीं हुआ है। कई सड़कें ऐसी हैं, सीसी रोड ऐसे हैं, जिनका एक बार दो बार पैसा निकाला गया है। नहीं, वहाँ पर काम हुआ नहीं है, वो डबल काम हो गया है। 1995 में बना था। 1995 बना, इसके बाद कोई निर्माण नहीं हुआ उस पर। लेकिन इस बार तो जो निर्माण दिखाया गया है आपके यहाँ के प्रधान द्वारा दिखाया गया, कुछ वहाँ पे मूर्ति भी रखी गई है और चबूतरा का निर्माण भी कुछ नहीं हुआ वहाँ पर। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, सिर्फ कागजों में। कागजों में 1995 को पत्थर लगा, मतलब 1995 से कोई विकास कार्य नहीं हुआ। ना मूर्ति रखी ना।